हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे गाइस, जय माता दी। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 7 और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। गाइस, मैंने दिन में ब्लॉग नहीं बना पाई थी, सुबह में भी नहीं बना पाई थी। इसके बाद मैं कोर्ट गई, इसके बाद आई तो लाइव ऑन कर ली। तो अभी पूजा करके आई हूँ और अभी मैं भोग बनाऊँगी भगवान जी का, कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का। और आप लोग कैसे हैं गाइस, बताइए। और मेरी वीडियो को फुल वॉच के साथ देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ऊपर से आई तो देख रही हूँ मेरा बेटा खुद से मैगी बनाने वाला है। गाइस, ये देख सकते हैं। हेलो बाबू। हेलो, अच्छे से हेलो करो। और ये क्या लिए हो बर्तन, देखिए गाइस कैसा बर्तन लिया है, चाकू से मिर्ची कटिंग करा। और मैं गाइस, जिसको खाना खाने खुद से नहीं आता है और वो मिर्ची कटिंग कर रहा है, और क्या है ना, और जिसको ना नहाने आता है, ना खाना खाने आता है, ना ब्रश करने आता है, वो बनाने वाले हैं आज मैगी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं मैगी। बाबू आप बना लोगे पक्का? हाथ कट जाएगा बेटा। और यहाँ पे दीक्षा है बना रही है रोटी, आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही है आज, स्माइल पे विराम लगा के रखी है। देख लीजिए गाइज, आप लोग पहचान लीजिए इसको अच्छी तरह से, और इनकी लुकिंग भी देख लीजिए। तो ये रोटी बना रही है और इसमें बना रही है आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो गाइज, मेरे छोटे वाले जो देवर है ना, इन इस ये मतलब फर्स्ट वाले देवरानी है, सेकंड वाले जो देवर जी हैं उनकी बीवी गई हुई है मायके, और हमारा मायका ससुराल सब यूपी में है, तो वहाँ से गई तो मायके गई है। मेरे हस्बैंड जी आ गए तो वो खाएंगे रात में चावल, तो उनके लिए चावल मैं बनाऊंगी और भगवान जी का भोग भी बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जी अभी बाहर गए थे, क्या कर रहे हैं आप? आ गए, देखिए। हाय गाइस, ये वैष्णो माता गए थे और सुबह में ही आए हैं, और इसके बाद अभी ये आ गए थे कोर्ट से, तो बाहर वॉच वॉक कर रहे थे और अपने पड़ोसियों से मिल रहे थे। पड़ोसी से मिल रहे हैं और बीवी से नहीं मिल रहे हैं। मैं ऊपर लाइव कर रही थी, मेरे से मिलने आए आप, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। लाइव में आपका भी तो ब्लॉग है, आप लाइव में नहीं आ सकते गाइस। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ आज, मैं हुई अपने पति से नाराज, मैं दुखी हो गई हूँ गाइस। ये मेरे से मिलने नहीं आए, ये ना जब नई नई शादी हुई थी तो बहुत मेरे को खोजते थे, कहीं भी रहती थी तो चले जाते थे। अब मैं थोड़ी पुरानी हो गई तो मुझे मिलने नहीं आए। पुरानी नहीं हुई हो, अब मान लो तुम लायबिलिटी हो गई ना पहले। नहीं, आप मुझे खोजने के लिए क्यों नहीं आए? मैं बहुत ऊपर से सोच के चल रही थी आज आपसे लड़ाई करने वाली हूँ। लड़ लो, अभी आ रहे थे। तू मेरे को आप ऊपर खोजने क्यों नहीं गए? दीक्षा क्या करेगी? दीक्षा आपको रोकी थी पहले, तो आप दीक्षा से बोलते, दीक्षा पहले भैया बोलते थे ना जब आते थे, तो तुम्हारी दीदी कहाँ है, गोल्डी कहाँ है, पूछते थे ना हमसे, क्यों पूछे, खुद ही खोज लेते पहले, पूछते थे ना। नहीं बोल, मेरे साथ ही ज्यादा टाइम रहना है, समझ लो, मेरा साइड लो, लोगी ना, मेरा साइड लो, समझी? देखिए ये शर्मिले देवर जी है, शर्मिले दुल्हन जी है, सत्तू, हाँ जी है, देख लो, सत्तू है। सो गाइस, आप लोगों को पता है ना ये क्या खाते हैं जब इनका कुछ मन नहीं होता है, तो चावल और उसके साथ सत्तू, जो यूपी का मशहूर खाना है। देखिए मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, वही खाते हैं, तो चावल और सत्तू खाने वाले हैं। लेकिन मेरी शिकायत आपसे दूर नहीं हुई, अब वही है क्या? आप क्यों नहीं खोजने आए गाइस? आप कमेंट करिएगा, मैं सही हूँ या सही है, सब बहाने हैं। पहले नहीं दुखता था, अभी 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 आया, अभी मैं आपको तेल लगाने वाली हूँ ना थोड़ी देर। अच्छा बताइए, मैं तेल लगाती हूँ ना आपको, अभी 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 के लिए बोल रहे हैं ना, अभी तो मैं गर्म पानी थोड़ा सा चाहिए ना, तेल लगाती हूँ ना, लेकिन गर्म पानी चाहिए इसमें, गर्म पानी अभी कर दे रही हूँ। मैं तो कह रहा था, बाबू से बोल गया, कर दे रही हूँ, अभी कर दे रही हूँ। देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड जी का पैर दुख रहा है, वैष्णो माता से चल के आए थे, और ये घर सुबह सुबह आते ही, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अब इनकी सेवा कर देती हूँ, गर्म पानी कर देती हूँ और तेल लगा देती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए।